नमस्ते, मैं डॉक्टर अक्षत पांडे। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट इंदौर से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आपको बता दूंगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती हैं कोविड-19 को लेकर, और हम वही कन्फ्यूजन्स को कितने ज़्यादा एक दूसरे में फैलाते रहते हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि RT-PCR टेस्ट जो होता है। RT-PCR टेस्ट का एक CT स्कोर होता है जो कि यह बताता है कि आप दूसरों को कितना इन्फेक्ट करेंगे। भाई आप खुद तो इन्फेक्टेड हैं ही, लेकिन आप दूसरों को कितना इन्फेक्ट करेंगे। तो अगर आपका स्कोर 24 से अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। आप आस पड़ोस वालों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने माता पिता सभी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर 25 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आप इन्फेक्ट कर सकते हैं बट कम करेंगे इन्फेक्ट आप दूसरों को। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 नहीं है या आपके में वायरस लोड कम है या अलग अलग चीज़ें जो कि कन्फ्यूज़ कर रही हैं आपको। दूसरा, RT-PCR जो है लेट स्टेजेस में नेगेटिव आ सकता है, तो हमें सिर्फ RT-PCR टेस्ट के बेसिस पे ही डायग्नोज नहीं करना है कोविड। और भी चीज़ें रहती हैं, सिम्टम्स रहते हैं, रेडियोलॉजिकल चीज़ें रहती हैं जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आपको कोविड निमोनिया है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज़, एक बार अगर आपका कोविड डायग्नोज हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि बेसलाइन टेस्ट करवा के कि आपकी CBC, LFT, RFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आपने देखा होगा डॉक्टर्स करवाते हैं जैसे कि CRP, इंटरल्यूकिन 6, LDH, फेरिटिन, ये इस टाइप के अलग अलग जो लेवल्स जो टेस्ट हैं ये करवा के देखते हैं, इससे कि हमारे अंदर इस बीमारी का इन्फ्लेमेशन कितना बड़ा हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है। दूसरी चीज, सबसे सही समय क्या है RT-PCR टेस्ट कराने का? 4th, 5th, या 5th to 8th डे, 5वें से 8वें दिन के बीच में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके RT-PCR टेस्ट कॉमन आने के, पॉजिटिव आने के। अगर आप किसी से एक्सपोज हुए हो और अगर आपने दूसरे दिन ही टेस्ट करवा लिया और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको लगेगा कि भाई मुझे कोविड-19 नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा चांसेस 5वें से 8वें दिन के बीच में आते हैं और नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें RT-PCR के। लेकिन स्टिल अगर आपका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है तो हमें एक CT स्कैन और बाकी टेस्ट करवा के एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये देखना चाहिए कि आपको कोविड-19 है कि नहीं है। तो पैथोलॉजी जो कोविड-19 की होती है, हमें लगता है कि जो वायरस डैमेज कर रहा है, ऐसा नहीं है। वायरस जो रहता है वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को ऑल्टर करता है और आपके जो इम्यून सिस्टम से होने वाले इन्फ्लेमेशन होता है, आपका इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाता है, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम आपके जो इन्फ्लेमेशन करवाता है, उस इन्फ्लेमेशन के कारण आपको दिक्कत आती है, ना कि वायरस के कारण। वायरस ने तो अपना काम कर दिया, वो बॉडी में आ गया, उसने इन्फेक्टिविटी चालू कर दी, फिर उसके बाद अपना इन्फ्लेमेशन उसने करा, तो जो इन्फ्लेमेशन जो बढ़ता है, जबकि हम देखते हैं IL-6 बढ़ा हुआ आ रहा है लोगों का, CRP टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वो बताता कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो उस इन्फ्लेमेशन को हमें सही टाइम पे कंट्रोल करना पड़ता है। CT स्कैन में चेंजेस कई बार लेट आते हैं, बट हम देखते हैं शुरुआत में CRP और LDH टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तभी हम डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेसलाइन टेस्ट आप जल्दी से जल्दी एक बार करवा लो, फिर चौथे पांचवें दिन कराओ, फिर कुछ दिन में कराओ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे डेंजरस 3 सिम्टम होते हैं इसके, फीवर, मांसपेशियों में दर्द आना, बहुत ज़्यादा फैटीग होना और एग्जॉशन, ये फैटीग, बहुत ज़्यादा थकान होना। कोविड-19 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है थकान। लोगों को लगता रहता है कि मुझे बुखार आया नहीं है, लेकिन मुझे लगातार थकान बनी हुई है बहुत ज़्यादा, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो यह क्या हो सकता है? तो यह कोविड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। और यह वाला जो इन्फेक्टिव स्ट्रेन आया है अभी कोविड का, यह इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाला है क्योंकि इसके प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन हो रहे हैं इसके। किसी किसी में सिर्फ लूज़ मोशन हो जाते हैं, किसी किसी में हेडेक से चालू होता है, तो अलग अलग सिम्टम होता है। लोगों को लगता है भाई मुझे एक दिन फीवर आया, उसके बाद फीवर नहीं आया, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, ऐसा नहीं है। फीवर तो इसमें एक या दो दिन ही आएगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर अंदर पूरा डैमेज चालू हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और साइटोकाइन स्टॉर्म, आपने इधर उधर से सुना होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म एक टर्म है, साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना सही समय पर। तो अगर इन्फ्लेमेशन को हम सही टाइम पर हिट करेंगे तो पूरा की पूरी तरह से साइटोकाइन स्टॉर्म को हम अवॉइड कर सकते हैं। अपने आप कुछ टाइम में जो रहता है वायरस की इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है और 12 से 14 दिन बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
सबसे ज़्यादा खतरनाक पीरियड जो है वो है 8 to 12 days का, 8वें से 12वें दिन 13वें दिन तक का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत और साइटोकाइन स्टॉर्म के होने के चांसेस इसी में होते हैं, जब पेशेंट को लगता है कि मुझे सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, 8 दिन 9 दिन हो गए हैं, अंदर अंदर बीमारी अगर बढ़ती जाती है तो एकदम से साइटोकाइन स्टॉर्म आता है और पेशेंट फिर कोलैप्स हो सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। नॉर्मली अगर COVID-19 के पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप प्रोन पोजीशन में सो, मतलब कि पेट के बल सोएं, अगर आप नॉर्मल सो भी नहीं रहे हो और लेटे भी हुए तो भी पेट के बल ज़्यादा से ज़्यादा लेटिए, क्योंकि उससे लंग्स में आपकी ऑक्सीजन और ज़्यादा जाएगी, जितने नॉर्मल पोजीशन पे बैठने पे या पीठ के बल सोने पे ऑक्सीजन जो नहीं जा पाती है COVID-19 के पेशेंट्स में, वह पेट के बल जाने पे डिफ्यूज ऑक्सीजन जाएगी आपके लंग्स में। तो कम से कम 17 से 18 घंटे जो है COVID-19 के पेशेंट्स को जिनको सांस में दिक्कत है या थोड़ी भी दिक्कत है उनको प्रोन पोजीशन में सोना चाहिए या लेटना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो ट्रीटमेंट इसका सही टाइम पर अगर हम कोर्स स्टार्ट कर देते हैं एंटीवायरल्स का, जिसमें कि सबसे कॉमन ओरल एंटीवायरल है फेविपेराविर, उसके बाद आती है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में यूज़ होता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो अभी जो इतनी मारामारी चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, शॉर्टेज हो गई है इंदौर में, यह इसलिए हो रही है क्योंकि लोग अननेसेसरी ख़रीद के रख रहे हैं घर पे इंजेक्शंस ताकि उन्हें दिक्कत ना आए आगे जाके। यह बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में ही इसका रोल है, उसके अलावा कोई रोल नहीं है माइल्ड डिजीज़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन का। तो आप अननेसेसरली उसको ख़रीदें ना पहले से, खुद से जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए शॉर्टेज हो रही है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जितने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, यह एक साल पहले ही हमें पता चल गया था कि जितने ज़्यादा केसेस इंडिया में होंगे उतनी ही आगे जाके बेड्स की शॉर्टेज होगी हॉस्पिटल में, उतनी ज़्यादा दवाइयों की दिक्कत आएगी, मैन पावर की दिक्कत होगी। तो अभी से ही समझ जाएँ, अपने आप का ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, घर पर ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा। मान के चलिए एक साल पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही फिर से थोड़े टाइम के लिए कर दें, और स्टे सेफ स्टे हेल्दी। थैंक यू।